वार्ड संख्या 42 की युवती ने झुंझुनू जिले के युवक से की लव मैरिज। जब दोनों को मिली गोली से उड़ाने की धमकी तो पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 42 की एक 22 वर्षीय युवती ने झुंझुनू जिले के एक 24 वर्षीय युवक से लव मैरिज कर ली। अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिली तो दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। चूरू शहर के टकनेत हाउस के पास वार्ड संख्या 42 निवासी 22 वर्षीय सुशीला कंवर ने बताया कि करीब 5 साल से उसका झुंझुनू के गांव कलोठा निवासी 24 वर्षीय उदय सिंह से अफेयर चल रहा था। उदय सिंह से उसकी जान पहचान गांव रिड़खला में सुशीला के ननिहाल में उस वक्त हुई जब उदय सिंह रिड़खला में अपनी मौसी की लड़की बहन के घर आया हुआ था। दोनों की मुलाकातें होने लगी, मोबाइल पर बातें होने लगी और प्यार का सिलसिला चल पड़ा। इस बीच सुशीला ने अपने परिजनों को उदय सिंह के साथ शादी करने की बात कह दी। सुशीला ने बताया कि उदय सिंह के साथ उसकी सगाई भी कर दी गई लेकिन उसकी मामी को यह रिश्ता रास नहीं आया और उन्होंने सगाई तोड़वा दी। इसके बाद अब सुशीला के परिजनों ने श्री डूंगरगढ़ में उसके रिश्ते की बात चलाना शुरू कर दिया। सुशीला अपने घर वालों को इस रिश्ते से इनकार भी करती रही लेकिन नौबत सगाई तक पहुँच गई। 2 अगस्त 2023 को सुशीला ने उदय सिंह के साथ अपना घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए जहां 4 अगस्त को दोनों ने लव मैरिज कर ली। परिजनों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को गोली से उड़ा देने की धमकी दे डाली। इस रिश्ते में उदय सिंह के ताऊ भी नाराज हैं। धमकी के बाद सुशीला और उदय सिंह अब एसपी दफ्तर पहुंचे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। सुशीला और उदय सिंह दोनों 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हम सुशीला कंवर हैं। उदय सिंह निर्वाण से मैं शादी कर ली, मां के साथ रहना चाहूँ। हमारे जान को खतरा में, हमारे घर वाले धमकी दे रहे जान से मारने की। हाँ, हमारी पहले सगाई हो चुकी है, 5 साल तक रखी, फिर हमारी छोड़ कर मैं दूसरी जगह रिश्तों करती हूँ। मेरे मामी से है ना, मैं छुपवाती हूँ यहाँ से। ठीक है।